नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आमतौर पर हम लोग अपने वीडियोस में उस बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि हमारे परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, पर आज का जो हमारा ये वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम लोग बात करेंगे उस बारे में जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी से रिलेटेड ज़्यादा है, यानी कि आप अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे उसमें एक बेहतरीन तरीके से लग जाएं, झोंक दें खुद को, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। स्पेशली तब जब आप UPSC की RO यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग समझेंगे कि RO या ARO को किस प्रकार की सैलरी, सुविधाएँ, घर, ट्रांसफ़र, प्रमोशंस, ये सब, या फिर जो है उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, किस प्रकार का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्या ये अपर PCS से बेहतर है, या फिर जो इसमें जॉब मिलती है वो क्या अपर PCS की पोस्ट से कुछ हद तक बेहतर है, तो ये सारी बातों पर हम लोग बात कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग जो एक शॉर्ट में इसकी स्ट्रेटजी को भी समझ रहे होंगे, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो हमारी डिटेल्ड वीडियो है वो तो जल्दी ही अलग से डाली जाएगी, परंतु आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे, वो है प्री और मेंस का समन्वय हम लोग किस तरीके से बैठा सकते हैं प्री से पहले, क्योंकि प्री के पहले ही आपको मेंस का थोड़ा बहुत ही हिस्सा, कम से कम मतलब 50% जो है हिस्सा, वो आपको प्री से पहले ही तैयार करना है। कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसको हम लोग पहले तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को ऐसा भी नुकसान नहीं होगा कि हमारा प्री ही रुक जाए, समझ रहे हैं? जैसे कई लोग सोचते हैं कि हम प्री के ही पहले हम जो है जो उसमें मेंस में लेटर्स वगैरह पूछे जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल या डेमी ऑफिशियल लेटर्स, उनको तैयार कर लें। मेरे हिसाब से वो सब चीज़ें नहीं सही हैं। क्यों नहीं सही हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने वीडियो में। फिलहाल देखिए, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपकी मतलब मेरी जो रेगुलर टीचिंग की वीडियोज़ होती हैं वो तो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं ही, और जो रोज़ का डोज या ऐसे प्रोग्राम्स जो भी चलाते हैं हम लोग वो तो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है ही, मेरा या किसी भी टीचर्स का, वो सब इम्पॉर्टेंट है, परंतु उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस बारे में समझना जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि आप देखिए, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके कुछ ख्वाब देखते हैं, आप उसके सपने देखते हैं, और अगर आप सपने अच्छे देखेंगे, आप अगर उसके बारे में, उस पद के बारे में जानते होंगे अच्छे से, उस पद के जो आकर्षण है उसको महसूस कर पाएंगे, तो आप उस परीक्षा के लिए और बेहतर तरीके से खुद को झोंक पाएंगे। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि मन में सपने अगर नहीं होते हम कभी चांद पर नहीं होते, तो इसलिए आप समझिए कि अगर आप सपनों को अच्छे से देखते हैं वह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में उस पर काम करते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है उसमें हम लोग इसी पर बात करेंगे कि कैसे हम ये परीक्षा जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण है, क्यों हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है 2022 की वैकेंसी, जो कि आपकी नवंबर या दिसंबर में 2022 में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो ये क्यों एक बेहतरीन मौका है, इन सारी बातों पे हम लोग आज के अपने इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग, ये आपको पता ही होगा कि इसकी जो वैकेंसी है इस बार, जो वैसे नॉर्मली इसकी वैकेंसीज आती हैं वो लगभग मतलब 200-300 ऐसे करके वैकेंसीज आती हैं, पर इस बार ऐसी संभावना है कि वैकेंसीज हर बार से ज़्यादा आएंगी। उसका कारण ये है कि आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में जो है वो इसका जो है प्रमोशंस हुए हैं, RO ARO इनके जो है प्रमोशंस हुए हैं, तो प्रमोशंस हुए हैं इसलिए जगह जो है वो खाली भी हुई हैं, प्रमोशंस होते हैं जगह खाली हुई हैं, इस वजह से ये काफ़ी समय से लंबित प्रमोशंस थे, पेंडिंग थे, तो इस वजह से जगह जो है वो काफ़ी मात्रा में खाली हुई हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आयोग जो है इस वैकेंसी को अभी तक नहीं दिया, बल्कि थोड़ा डिले किया ताकि हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो पता लग पाए कि वो कितनी है। तो उम्मीद है कि ये वैकेंसी, देखिए थोड़ा देर से ही सही, मगर जब भी आएगी तो इसमें वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हम लोग को पदों की संख्या देखने को मिलेगी, ठीक है? तो पहली बात तो इसलिए ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो आता है एग्ज़ाम पैटर्न इसका। देखिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न एक बहुत ही आकर्षक है, आप समझिए इस चीज़ को, क्योंकि इसमें जो प्री है, वैसे हम लोग सिलेबस पे भी बात करेंगे अलग से अपने वीडियो में, पर आपको अभी मैं मोटा मोटा एक ये चीज़ समझाने की बात कर रहा हूँ कि देखिए, जो इसका प्री का एग्ज़ाम है उसमें आता है GS और हिंदी,
तो इसमें आपका अगर आप हिंदी में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली जीएस से थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी होती है हिंदी को पढ़ना, तो अगर आप हिंदी को उसमें बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके जीएस में एवरेज भी रहते हैं तो भी आप अच्छा कर ले जाएंगे। दूसरी बात, मेंस में एक तरफ आपका अपर पीसीएस है जहाँ पे मेंस में जीएस के 4 पेपर डिस्क्रिप्टिव पूछे जाते हैं, उसके साथ में आपको पूछा जाता है एसे और हिंदी का, उसके साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर रहते हैं। कुल मिला के आपको 8 जो है भारी भरकम पेपरों से जूझना पड़ता है। वहीं यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका सिंपली जो जीएस हिंदी जो आपका प्री में आनी थी वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा मेंस में, और उसके साथ में एक हिंदी का पेपर और है और उसके साथ में एक निबंध का है, तो बस इतना सा पेपर है। 3 शिफ्ट में आपका ये पूरा पेपर हो जाता है 1.5 दिन में। तो मेंस भी इसका बहुत इम्पोर्ट मतलब बहुत आसान आप कह सकते हैं वो है, हालांकि ये पेपर का पैटर्न जरूर आसान है पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिशन होता है वो बहुत टफ होता है, क्योंकि जब सिलेबस कम होता है अपर पीसीएस में सिलेबस ज़्यादा है तो वहाँ पे सभी की अपनी अपनी तैयारी रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब सिलेबस कम रहता है तो सब उसको पढ़ चुके हैं, फिर वहाँ पर काम करता है कि आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाते हैं, आप किस तरीके से लिख पाते हैं। ज़्यादातर लोग का सिलेबस पूरा कंप्लीट भी रहता है, सब कुछ उनको आता रहता है, लेटर्स वगैरह हर चीज़ सब लोग लिख भी लेते हैं, टाइम पे कंप्लीट भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन इस वजह से रुक जाता है क्योंकि उनसे बेहतर किसी और ने लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको वो भी करना, आप सोचिए कि निबंध एक ऐसा टॉपिक है जो कि वेग सा है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें आप लिख के आए हैं, आप अपने जानने भर में अच्छा ही लिखे हैं। निबंध का पेपर जब भी मेंस आप दे के निकलिए तो जब भी आप किसी से डिस्कस करेंगे कैसा हुआ भाई, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा लिखे, नंबर जब देखिए तो नंबर पता चला कि उसके जो है बहुत ही कम आ रहे हैं, मतलब जो एक एवरेज है उससे भी 15-20 नंबर नीचे चले, क्योंकि निबंध एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबको लगता है भाई आपने तो पेपर कर दिया, आपको लगा कि मैं तो पूरा एकदम अटेम्प्ट करा, 3 निबंध बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन आपको जो बढ़िया लग रहा है वो एग्जामिनर को भी बढ़िया लगना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो क्लासेस हो जाते हैं इस चक्कर में आपका जो पेपर है वो आप गैस ही नहीं कर पाते हैं कि कैसा हुआ है, क्योंकि आपसे बेहतर लिखने वाले भी बहुत सारे पढ़े हैं। तो इसलिए ये वैकेंसी जो है यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड प्रोसेस चलता है, जब आप हिंदी लिखते हैं तो आपको हिंदी भी शुद्ध लिखनी है, उसमें अगर एक भी ग्रामर की मिस्टेक्स हो गई तो वो आपके लिए माइनस हो जाता है मेंस में। तो इसलिए मेंस में एक काफ़ी सारी मेहनत करने की ज़रूरत रहती है, लेकिन मेहनत के साथ में आप ये भी समझिए कि इससे ज़्यादा मेहनत आपको अपर पीसीएस में करनी है, यानी जो पीसीएस की या यूपीएससी की जो भी वैकेंसीज होती हैं उसमें इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उसकी तुलना में मेहनत तो यहाँ पे काफ़ी कम है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास देखिए 1 साल का समय है, 1 साल का आपके पास इसलिए समय है क्योंकि ये वैकेंसी मैंने वैसे अपनी बुक लिस्ट वाली वीडियो में ये समझाया था, RO ARO की बुक लिस्ट वाली वीडियो जो है वो ऑलरेडी डाल दी गई है, आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया है, सराहा है, और आप लोगों में से जिसने भी उसको ना देखा हो वो ज़रूर एक बार देख ले, इस वीडियो के लिंक में मैं उसको दे दूंगा। बाकी देखिए अभी आपके पास 1 साल का समय इस लिहाज से है कि अभी ये वैकेंसी आपकी जो है वो दिसंबर के करीब आने की संभावना है जो इसका नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन जब भी आता है उसके आप मान लीजिए कि 4 महीने तो लगभग लग ही जाते हैं, तो यानी ये कहीं ना कहीं ये परीक्षा जो है मार्च या अप्रैल के महीने में होने की संभावना है इसका प्री परीक्षा, और जब प्री होगा उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसके 3 महीने बाद परीक्षा, 1 महीने बाद वो उसका फॉर्म आएगा, फिर उसके कुछ दिन बाद जो है वो आपका एडमिट कार्ड परीक्षा, ये सभी मिला के लगभग एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि अगस्त या सितंबर में नेक्स्ट ईयर, अगस्त या सितंबर में 2023 में हमें इस परीक्षा का मेंस देखने को मिलेगा। तो इस लिहाज से आपके पास 1 साल का पर्याप्त समय है, और ये 1 साल के समय में अगर आप अभी से भी इस परीक्षा की तैयारी में जुटते हैं तो मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि वैसे तो इसका टॉपिक बहुत ज़्यादा है, देखिए इतना सारा है सिलेबस, लेकिन इस सिलेबस में हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस पर जो हम एक अपनी स्ट्रेटजी वीडियोज भी लाएंगे उससे आप ये समझ सकेंगे कि अगर हम इस सिलेबस में इतना ही पढ़ लें तो भी हम उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और वो हमारे कॉस्ट बेनिफिट के लिहाज से बहुत बेहतर होगा, यानी कि हम लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे, वो चीज़ें जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब एक आदर्श तरीका तो ये है कि आप सारी चीज़ों को पढ़ें, और मैं भी वही कहूँगा कि आप भाई सारी चीज़ों को पढ़ें, आप क्यों ऐसी स्ट्रेटजी या स्मार्ट वर्क करें, आप पहले हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन अगर आपके पास अभी से आप
तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर आप केवल जो है मतलब कम समय में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो कुछ एक स्ट्रेटजी वीडियो हम लोग लाएंगे जिसमें कि आप लोगों को बता सकेंगे कि आप इन इन पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मतलब किस टॉपिक को पहले पढ़ें, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, और अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसमें किस टॉपिक को पहले पढ़ें। मतलब मैं यहाँ तक भी आपको बता दूंगा कि आप जो है कोई सब्जेक्ट के किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ें, किसको कम पढ़ें, किस पे ज़्यादा रिवीजन करना है, किस पे कम रिवीजन करना है, ये सभी जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर का एनालिसिस के थ्रू हम आपको थोड़ा सा गेस करके बता सकते हैं। और चूंकि मैंने भी इस परीक्षा को 3 बार उत्तीर्ण किया है, जो प्री परीक्षा है उसको, और उसके अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो एक इसमें हम लोग थोड़ा बहुत आपको इस तरीके सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अगर अभी से भी तैयारी अपनी शुरू करते हैं तो आप एक बहुत बेहतरीन पोजिशन में होंगे आने वाले 1 साल में। इसका जो मेंस का पैटर्न है वो इजी है, क्यों है तो देखिए, एग्जाम पैटर्न को हम लोग अगर बात करते हैं, पहली बात तो ये कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस पैटर्न में जो है वो इस साल कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि कुछ एक बड़े यूट्यूब चैनल्स ने ऐसा दावा किया था कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो सकता है, तो इसलिए बच्चों के मन में ये थोड़ी सी दुविधा है। इस पर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस साल इस पैटर्न में चेंज होने की संभावना बहुत कम है। अब देखिए होता क्या है कि जब भी कोई अध्यक्ष बदलता है आयोग का, चेयरमैन अगर बदलता है, या फिर कोई भी वैकेंसी आती है, खासतौर पे ऐसी आरओ वाली जो स्पेशल है, मतलब ये हर साल नहीं आती हैं, तो इसमें जो है आमतौर पे इस टाइप की चर्चा आम हो जाती है कि ये जो है पैटर्न बदलने वाला है। और कुछ एक व्यूज के चक्कर में जो बच्चों के मनोविज्ञान के साथ खेलना, ये मुझे उचित नहीं लगता है, और मेरा ये मानना है कि इस साल कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा चेंज होता भी है, तो भी आप ये मान के चलिए जो आर ओ ए आर ओ का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं, जो मेंस का इसका सिलेबस है वो इसके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है, तो यानी कि जो इसमें यानी जैसे लेटर्स वगैरह हैं वो सारे जो है आपके उसमें काम आएंगे, आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब जब आप करेंगे तो उसमें भी काम आएंगे, तो मतलब जो चीज़ इसमें है वो तो ऑलरेडी रहेगी वहाँ पर, तो इसलिए उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि GS रहेगी, हिंदी रहेगी, और जो लेटर्स वाला पोर्शन है वो रहेगा ही रहेगा। तो जब ये सारी चीज़ें रहेंगी तो अगर कुछ नया ऐसा जुड़ता भी है, कुछ कम नहीं होना है, अगर कुछ नया जुड़ता भी है तो उसको देख लिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए आप ये मानिए कि कोई ऐसा चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा, देखिए मैं एक चीज़ इंग्लिश मीडियम वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे माफ़ी मांगते हुए कहना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो क्यों है? क्योंकि देखिए इसका जो पैटर्न ही है, यानी कि प्री में भी आप देखेंगे तो हिंदी जो है पूछी जाती है, अच्छी खासी पूछी जाती है, यानी 60 मार्क्स की हिंदी होती है और 140 मार्क्स की आपकी GS रहती है। GS जो है आपकी वो होती है 140 मार्क्स की, 140 क्वेश्चन, और हिंदी रहती है 60 मार्क्स की। अब इसमें जितने भी लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं वो 60 में से करीब जो है वो 55 नंबर, 52 नंबर, 53 नंबर, ऐसे कुछ लोग तो 60 में 60 नंबर ले आते हैं, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा बहुत पीछे हो जाते हैं यहाँ पर। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन मैं एक एक्सेप्शंस को नहीं मान रहा हूँ, मैं एक जनरल ओपिनियन बता रहा हूँ। दूसरी बात, जब मेंस में आते हैं तो मेंस में एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि वहाँ पर देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, जो कि आपका अपर PCS में नहीं है। अपर PCS में जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो अपर PCS में देखिए आपका जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको एक प्लस पॉइंट इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो UPSC की भी तैयारी मान लीजिए उसी में कर रहे हैं, अदर स्टेट के भी हैं, वो भी सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे आ जाते हैं, या फिर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे आ जाते हैं। परंतु इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादातर लोग UP के ही रहते हैं और ज़्यादातर हिंदी माध्यम वाले ही रहते हैं, और जो सेलेक्ट होते हैं उनका भी अगर आप देखेंगे तो रैंकिंग सारी जो है वो हिंदी मीडियम वालों की रहती है, क्योंकि इसका सिलेबस ही कुछ ऐसा है। सिलेबस में देखिए तो बेसिकली आप एक आइडिया लीजिए कि आपका होता क्या है, तो जैसा अभी मैंने बताया कि GS हिंदी ये तो होता ही है, इसके साथ में SA होता है और SA के साथ में एक हिंदी डिस्क्रिप्टिव होता है, तो देखिए उनके लिए GS तो ठीक है, लेकिन बाकी तीनों पेपर में कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला मान लीजिए वो लोग कर भी लें तो हिंदी डिस्क्रिप्टिव में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये तो लिखना हिंदी में ही है। SA में भी कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है, और केवल यहीं पे नहीं होती बल्कि अपर PCS में भी आप देखेंगे कि SA में इंग्लिश मीडियम के थोड़े से कम नंबर आते हैं,
हिंदी मीडियम वालों की अपेक्षा, और इसी प्रकार से यूपीएससी में भी ऐसा होता है, यूपीएससी में भी आमतौर पर देखा गया है। हालांकि एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे टॉपर जो थे अनुदीप दुरुशेट्टी, उनके तो एसेज बहुत अच्छे हैं, उनके ब्लॉग्स भी अभी बहुत फेमस हैं, परंतु मैं एक जनरल ओपिनियन बता रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम वालों को इसलिए भी बेहतर होता है क्योंकि जो हमारे मूल जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो हमारी मातृभाषा में आते हैं। साथ में उसका ये भी एक कारण होता है कि हिंदी में हम लोग बहुत सारी कविताएं, सूक्तियां, इन सब का प्रयोग जो है आसानी से कर देते हैं। दोहा वगैरह जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं वो भी हम लोग आसानी से कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसे इन सब का एक अभाव रहता है, तो वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं कोट कर पाते हैं, तो इस कारण से थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर ये समझिए कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात देखिए कि ओ लेवल जिसने भी किया है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आर ओ में, आर ओ ए आर ओ में जो ए आर ओ वाली पोस्ट है, इस ताले की चाबी जो है वो ओ लेवल है, या फिर कंप्यूटर का कोई ऐसा कोर्स। हाल में एक अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया था आयोग द्वारा कि उन्होंने ओ लेवल के साथ में कुछ और भी कंप्यूटर कोर्सेस को मान्यता दे दी गई है। वो कोर्सेस कौन से हैं वो आप पता कर सकते हैं, कई सारे ऐसे कोर्सेस थे, तो अगर आप ये किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ आप ये मान के चलिए कि जितना, अगर जो है एक हम जनरल ओपिनियन बता रहे हैं कि अगर मेंस की कट ऑफ वो जो है मेंस की अगर मान लीजिए कट ऑफ आर ओ के लिए गई है 257, तो ये जो ए आर ओ के लिए है वो जाती है 175। अब समझ लीजिए कितना अंतर है यहाँ पे, 257 और 175, कितना ज़्यादा अंतर है इसमें आर ओ ए आर ओ में। और इसी प्रकार से प्री की आप ले सकते हैं, प्री में भी अगर जो है प्री की कट ऑफ जाती है, मेंस की जाती है 122, जनरल बॉयज की अगर मेंस की 122 जाती है, तो ए आर ओ की जाती है इसमें 85 मार्क्स केवल जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कट ऑफ जो है वो कितना मतलब कम रहता है यारों के लिए। अगर आप जो है ओ लेवल या इस प्रकार के समकक्ष इसके जो इक्विवेलेंट डिग्रीज हैं उनको आप होल्ड करते हैं तो आपके लिए परीक्षा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और एआरओ की भी जो पोस्ट है वो भी बहुत बेहतरीन है। अब देखिए जॉब प्रोफाइल पे अगर बात करें तो जॉब प्रोफाइल में देखिए, इसका सबसे पहली बात तो इसमें वर्कलोड, तो देखिए वर्कलोड जो है इसका वो काफ़ी कम है। वो काफ़ी कम इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो मतलब मेनली फाइलिंग से रिलेटेड काम रहता है, आपको फाइल्स वगैरह, आप सचिवालय में फाइल्स वगैरह तैयार करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मतलब अपने ऑफिस में ही बैठ के काम करना है, फील्ड वर्क नहीं है, तो उस लिहाज से ये जो है काम आसान भी है, और बहुत ज़्यादा मतलब जो भी इसमें जो लोग सेलेक्ट हुए हैं तो वो सभी, उनका एक कॉमन अनुभव है कि वो इसमें जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरलोडेड वो नहीं फील करते हैं। ठीक है, एक मतलब नॉर्मल सा आराम सा काम है ऐसा लोग बताते हैं। उसके साथ में जो इसमें हॉलीडेज हैं वो आपको पता ही होगा कि 5 डेज जॉब है, यानी कि हफ्ते में 5 दिन की, तो देखिए 5 डेज की जॉब है, 5 डेज का मतलब आपके पास 2 दिन की छुट्टी है। आप 2 दिन में मतलब एक जो क्वालिटी लाइफ होती है ना वो आप अच्छे से जी सकते हैं, कि मतलब आप जो एक अपने परिवार को भी समय दे सकते हैं, उसके साथ में आप अगर मान लीजिए कि पढ़ाई ही करना चाहते हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन इसके साथ में कई लोग करते हैं, या अपर पीसीएस की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर आप वो भी करते हैं तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हफ्ते में भी 2 दिन छुट्टी होगी और साथ में 10 से 5 वाला टाइम है, तो वो वैसे भी आपको जो है मतलब पर डे भी आपको काफ़ी सारा समय मिल जाता है। इवन ऑफिस में भी आप बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं फील होंगे, तो वहाँ पर भी आप मतलब वहाँ से भी आप ऑफिस से भी रिलैक्स रहेंगे, प्लस पर डे भी आप समय निकाल सकते हैं आराम से, और उसके साथ में आप 2 दिन की छुट्टी तो है ही, तो ये इसके जो है कुछ एक फायदे हैं। तो ये सारी बातें हो गई इसकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, और चलिए आज की ये वीडियो जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे अगली बातें जो हैं वो हम लोग इसके अगले वाले पोर्शन में करेंगे, इसी वीडियो का जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे कि इसकी सैलरी एंड पर्क्स क्या हैं, और क्या ये अपर पीसीएस से भी बेहतर है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे, अपर पीसीएस से कुछ पोस्ट से बेहतर है, और साथ में हम लोग इसकी स्ट्रेटजी वीडियोस को थोड़ा सा समझेंगे, स्ट्रेटजी में मतलब क्या हम लोग जो है बेहतर स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी तैयारी की। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जल्दी आपकी जो दूसरी वाली इसकी सीरीज जो है पार्ट 2 है वो अपलोड हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।